अब सरस होने के लिए मैं अगले कवि को चुनता हूँ, इस सूचना के साथ के हमारे भाई नीरजपुरी को इस वर्ष का काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाने वाला है, 30वां काका हाथरसी पुरस्कार। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये हास्य व्यंग का ज्ञानपीठ है, क्योंकि इसमें ज्ञान की ओर पीठ करने वाले लोग पाए जाते हैं। और भविष्य का पुरस्कृत कवि उस कोने में बैठा है, इसकी चोटी का आपको न दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये चोटी का कवि है। ब्रह्मांड से सीधे संकेत इसको मिलते हैं, सिग्नल इसका स्ट्रांग है। नाम है ओम व्यास और उज्जैनी से आए हुए हैं। भाई ओम व्यास अपने खास अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं, अमेरिका की यात्रा करके आए हैं, चाल वहां भी ऐसी ही थी। आप सबको प्रणाम करता हूं, जो लोग जोड़े से बैठे हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं, जो विवाहित किसी कारण से अकेले बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श पहुंचाएं, जो कुंवारे बैठे हैं उनको इलू इलू करता हूं, उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो सहारा श्री अमर सिंह जी मुलायम सिंह जी के प्रोटोकॉल में यहाँ ज़बरदस्ती फंसे हुए हैं, जिनका कविता से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन लोगों को स्पेशल प्रणाम करता हूँ जो भोजन के चक्कर में ये भजन का आनंद ले रहे हैं। हंसना सिर्फ आदमी के नसीब में है, आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, यदि देख लें तो समझ लीजिएगा ये आदमी होने की तैयारी में है, और किसी आदमी को गुमसुम उदास बैठा देख लें तो समझ लीजिएगा कि ये वो होने की तैयारी में है। आनंद से बैठिएगा, मैं आपको ज्ञान की एक भी पंक्ति नहीं सुनाऊंगा, भगवान महाकाल की कसम खाकर कहता हूँ। इस देश में अमिताभ जी आजकल ज्ञान की स्थिति बड़ी खराब चल रही है, सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा प्रवचन देते हुए मिल रहे हैं, और उसी समय हम ब्रश करके थूक रहे हैं। भारतीयों का कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आता, भारतीय आदमी अपने तरीके से जिंदगी जीता है। सहारा श्री बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय आदमी होता क्या है। बेसिकली भारतीय आदमी वो होता है जो टूथब्रश के आगे वाले हिस्से के खराब हो जाने के बाद चाकू को गर्म करके उस पोर्शन को काटता है और बचे हुए हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाता है। ये होता है भारतीय आदमी। इधर से तालियां कम बज रही हैं, इधर का मामला ठीक है। मुझे याद है भारतीय आदमी हीथ्रो एयरपोर्ट पे, लंदन में हीथ्रो पे एयरपोर्ट पे मशीनें लगी हुई हैं पॉलिश करने की जूतों पे, एक पैर डालो पॉलिश हो जाती है, दूसरा पैर डालो पॉलिश होने के बाद वो पैर पकड़ लेती है, फिर उसमें 50 सेंट्स डालिए तो वो पैर छोड़ती है। भारतीय पहुंचा एक, उसने एक पैर एक मशीन में पॉलिश हो गई, दूसरा पैर दूसरी मशीन में फंसा दिया। मुलायम सिंह जी, मरण तो उस आदमी का हुआ जो अंग्रेज आया, उसने जैसे ही पहला पैर फंसाया मशीन ने पैर पकड़ लिया, उसकी काउंटिंग में तो 2 हो गए। भारतीय आदमी ये होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज यहाँ हमारे दिलीप चौबे जी और राकेश पांडे जी मुझे एंटरटेन कर रहे थे, बता रहे थे ये 325 एकड़ में फैला हुआ है सहारा शहर। मैं आपके लिए जानकारी देता हूँ, सहारा शहर 325 एकड़ में नहीं फैला हुआ है। सहारा आजकल इन दिनों देश में एक विचार बन गया है जो पूरे देश में यत्र तत्र सर्वत्र नजर आता है। हथौड़े ने चाबी से पूछा, सुन चाबी, लोहा तो तेरे पास कम है, ताकत तेरे पास कम है, पर तू ताले को इतनी सरलता से कैसे खोल लेती है, और मुझे खोलने में बहुत ताकत लगती है। तब चाबी ने हथौड़े को जवाब दिया कि सुन हथौड़े, लोहा और ताकत तेरे पास ज़्यादा है, पर तू
ताले की ऊपरी सतह को छूता है और मैं ताले के अंतर मन तक जाती हूँ और उससे निवेदन करती हूँ और वो खुल जाया करता है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने लोगों के दिलों में उतरने का प्रयास किया, इसलिए वो 100 वर्ष बाद भी आज भी हमारे अंतस में हैं। लोग दिमाग पर छाते हैं, उन्होंने दिल में पहुंचने की कोशिश की। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और एक छोटी सी हास्य व्यंग की कविता से अपनी बात समाप्त करता हूं। जब मैं कहूं मजा ही कुछ और है, आप ताली बजा दीजिएगा, ये इनका तकिया कलाम होता है। जिनके आखिरी उंगली के नाखून का भी ऑपरेशन नहीं हुआ, वो आपको बाईपास कराने के लिए हॉस्पिटल का सजेशन देने आ जाएंगे। ये होते हैं रायचंद, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और ऑब्जर्वेशन देखिएगा। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को ज़बरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूँगफली के ठेले से मूँगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का, मज़े ही कुछ और है, मज़े ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का साइकोलॉजी है, एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, ये एक शौक होता है। क्यों सेठ जी, इस बार कैलेंडर वैलेंडर नहीं आए क्या? मैंने कहा तेरे घर में जगह तो है नहीं टांगने की, क्या भाभी की चोटी पे टांगेगा कैलेंडर? पर आदमी मांगता जरूर है फोकट की डायरी और कैलेंडर मांगने का। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, भैया ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को ज़बरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, भैया थोड़ी चटनी देना। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को ज़बरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धोल जमाने का, मज़े ही कुछ और है, मज़े ही कुछ और है। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, ससुराल किसी की बुरी नहीं होती और साला तो विवेकानंद जी से कम बुद्धिमान किसी का होता ही नहीं है। और ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए दो दोने लगाने का, आरती में सबसे ज़्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटखे और पान इधर उधर पिचकने का, कमज़ोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज़ रोज़ परेशान करने का, मज़ा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मज़े के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता ख़त्म करता हूँ, तालियाँ बजाइए। ये मैंने एक प्रयोग की कविता सुनाई, मैंने पिता पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। अमिताभ जी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में कार्यक्रम है, इसलिए मैं कुछ पंक्तियाँ पिता पर पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। माँ पर और पिता पर कुछ पंक्तियाँ आपके बीच निवेदित करता हूँ। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किनकी माँ जीवित हैं और किन्होंने माँ को खो दिया, पर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिनकी माँ जीवित हैं, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। एक मिनट के लिए बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने दुनिया में यदि किसी को दी है, वो सिर्फ माँ को दी है, माँ के अलावा ताकत किसी के पास नहीं है। मैं उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ।
याद कीजिएगा उन दिनों में जब हम चौके में रसोई में बैठकर खाना खाया करते थे और माँ खाना बनाती थी, उस वक्त थाली पर बैठकर हमने जब भी इधर उधर देखा वो माँ समझ गई और उसने नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती थी, उसे हम खो देते हैं वो माँ हमें बहुत याद आती है। रमेश सोच की चार पंक्तियाँ, माननीय नेताजी यहाँ बैठे हैं, मैं पढ़ता हूँ। मुझे अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। स्वामीनाथ पांडे की तीन पंक्तियाँ सुनाता हूँ। स्वामीनाथ पांडे ने तीन पंक्तियों का उपन्यास लिखा। अमिताभ जी बैठे हैं, जया जी बैठी हैं, तीन पंक्तियों में पूरा उपन्यास लिख दिया उसने। लिखा, एक विधवा माँ थी, उसके दो बेटे थे, एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ, जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए लिखी। सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ, माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ, माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ, माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ, माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ, माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ, परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ, माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ, माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ, माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ, माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ, माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। पर कहा साहब के बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने शेर कहा कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। पिता जब पुत्र को बाजार में ले जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बच्चे की जिद, इसके बीच के एहसास में खड़े होकर पंक्तियाँ सुनिएगा। पिता क्या होता है, अमिताभ जी आपको समर्पित करता हूँ, अमर सिंह जी बैठे हैं। पिता, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा,
कभी खारा है, पिता पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है, पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है, पिता पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, पिता पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर ना लगाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए।